कहते हैं नफरतों का कोई इलाज नहीं। सबसे ज्यादा फलने फूलने वाली कोई फसल है तो वो है नफरत। कितना भी काटिए फैलता ही जाता है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आखिरकार आतंकी आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल को रमेश बाबू हत्याकांड में फांसी की सजा सुना दी और 5-5 लाख आर्थिक दंड भी लगाया। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर फांसी की सजा दी, और कौन है रमेश बाबू शुक्ला जिनकी हत्या हुई। रमेश बाबू शुक्ला एक टीचर थे जिनको सरेआम गोली मार दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएसआईएस के आतंकी को एक टीचर से क्या दुश्मनी हो गई कि उन्होंने उसे गोली मार दी। तो चलिए आपको 24 अक्टूबर 2016 की वह घटना बताते हैं जिस वजह से इन्हें फांसी हुई। रिपोर्ट्स की माने तो शाम स्कूल में अपना काम खत्म करके रमेश बाबू घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में रोककर उन्हें आतिफ और फैसल ने सीने पर गोली मार दी। इन मामले में 7 महीने तक पुलिस खाक छानती रही मगर हाथ कुछ नहीं लगा। इस केस में उलझी पुलिस और यूपी एटीएस को 7 मार्च 2017 को खबर मिली कि जैन ट्रेन ब्लास्ट की साजिश में शामिल आईएसआईएस के आतंकी लखनऊ और कानपुर में छिपे हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर एटीएस ने काकोरी रोड के पास एक मकान को चारों तरफ से घेर लिया। इस घर में आईएसआईएस आतंकी सफुल्ला छिपा हुआ था। एटीएस ने 5 घंटे तक चली कार्रवाई में सफुल्ला को एनकाउंटर में मार गिराया और उसके ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद के साथ आईएसआईएस से जुड़े आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। सफुल्ला के मारे जाने के बाद एटीएस उसके नेटवर्क को खंगालने लगी। जांच में पता चला कि हथियार सफुल्ला के पास से बरामद हुए उनका इस्तेमाल कानपुर के रिटायर्ड टीचर की हत्या समेत दूसरे कई मामलों में हुआ था। ये जानकारी पुलिस और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में अहम साबित हुई। इसी आधार पर एनआईए ने कानपुर के चकेरी से फैसल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। फिर उसके इनपुट पर आतिफ को दबोचा गया। फैसल ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। फैसल ने बताया कि उसके साथी आतिफ और सफुल्ला आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। तीनों ने उत्तर प्रदेश में जिहाद फैलाने की कसम खाई थी। उन्हें नए हथियार आईएसआईएस नेटवर्क से मिले थे जिनकी टेस्टिंग उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को राम बाबू शुक्ला की हत्या करके की। फैसल से पूछा गया कि जिहाद फैलाना था तो रमेश बाबू को क्यों मारा। जवाब में उसने बताया कि रमेश बाबू की पहचान उनके माथे पर तिलक और हाथ में कलावे से हो गई थी, इसलिए उन्हें मार डाला। जांच एजेंसियों को वो तमाम सबूत और हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ जिसके बारे में आतिफ और फैसल ने बताया था, जिसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई और सुनवाई के बाद डेथ पेनाल्टी सुनाई गई। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।